हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल मेडिको स्टडी पॉइंट। माय सेल्फ डॉक्टर विकास यादव, आई एन एमबीबीएस फाइनल ईयर। सो गाइस, मेरे पास बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर एग्जाम से एक दिन पहले आपने क्या किया था, आई क्लियर नीड इन 2017। तो सर आप प्लीज वो बता सकते हो, बिकॉज आई नो दैट जब मैं भी आपके टाइम पे था नीट पे, तो उस टाइम बहुत एंग्जाइटी होती है, हम लोग बहुत डरे होते हैं, बेचैनी होती है कि एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल इलेबोरेटली समझाऊंगा कि भाई क्या करना है, क्या क्या चीजें पढ़ना है लास्ट वाले दिन, ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और गाइज एक और चीज अगर आपको बोलूं, फिजिक्स से बहुत सारे बच्चे डर रहे हैं, तो फिजिक्स के लिए मैंने जब मैं नीट प्रिपेयर कर रहा था तो 4 पेज के अंदर मैंने सारे फॉर्मूलास फिजिक्स के लिख रखे थे। वो फॉर्मूला मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। बहुत से बच्चे कह रहे हैं लिंक नहीं खुल रही है, तो आप टेलीग्राम पे जाके मेडिकोज स्टडी पॉइंट सर्च करोगे, मेरी प्रोफाइल डाली है एप्रन एंड स्टेथोस्कोप डाल के, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां जाके ज्वाइन कर लो। सारे फिजिक्स की फॉर्मूला शीट्स मिल जाएंगी, मीडिया सेक्शन में फोटोज में आपको सारे फॉर्मूला शीट्स आप वो डाउनलोड कर लेना, आपको वहां सारे फॉर्मूले एक साथ मिल जाएंगे। लगभग 250 से 300 फॉर्मूले हैं, आप उनको लर्न कर सकते हो। दूसरी चीज आते हैं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के भी मैंने वहां पे शॉर्ट नोट्स और पीडीएफ्स डाल रखे हैं जो मैंने उस टाइम पढ़ा था, वो सारी बहुत हेल्पफुल है, वहां सारी एनसीआरटी कवर है। एक दिन में आप पूरी 11, 12 की एनसीआरटी पढ़ सकते हो, क्योंकि आपके 5-5 मिनट में एक एक पीडीएफ रिवाइज हो जाएगी, वो 2-2 पेज की पीडीएफ है, वो भी जाइए वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक टेलीग्राम की दे दी है डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सर्च करके भी ढूंढ सकते हो, ठीक है। एंड अब बात करते हैं कि भाई एक दिन पहले की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो उससे पहले अगर आप प्लीज चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहेगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। सबसे पहले अगर मैं आपको एक चीज बताऊं गाइस, एग्जाम से एक दिन पहले जो पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट वाज योर माइंड। आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना, यू डोंट हैव टू बी इन अ हरी, आपको कुछ ऐसा घबराना नहीं है, डोंट बी इन एंग्जाइटी, डोंट बी इन अ पैनिक लाइक दैट। यू नो होता है सबके साथ, या मेरे साथ भी होता था व्हेन आई वाज इन दैट स्टेज में, जब आप लोग के स्टेज में था, और आज भी जब हम लोग के एमबीबीएस के एग्जाम्स होते हैं तो हमारी धड़कनें तेज होती हैं, वी आर इन अ हॉल हेल ऑफ एंजाइटी, वो सब चलता है, ये इट्स अ ह्यूमन नेचर, और ये हम लोग को एग्जाम्स का जो फोबिया होता है वो होता ही है। बट यू हैव टू रिलैक्स, क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहला ऑप्शन कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग इन अ हैंड, हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते ना यार, व्हाट कैन वी डू। अब लास्ट दिन ही बचा, अगले दिन तो एग्जाम देना ही है, जो पढ़ा है वो पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन नाउ। तो अब जो पढ़ा है कम से कम उसको तो अच्छे से रखते हैं ना यार, उसको तो नीट के अंदर सारा सही करेगा, और किसने देखा है कि आपकी किस्मत हो कि आपने जो पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन आ जाए। या इट्स हैपन समटाइम यार, होता है बहुत बार कि आपने जो पढ़ के गए हो आप डिट्टो के डिट्टो वहीं से क्वेश्चन आते हैं। लाइक हमारे एमबीबीएस में सेम होता है, कभी कभी हम बहुत सारे टॉपिक्स छोड़ जाते हैं बिकॉज इट्स अ हेल लॉट ऑफ, इतने बड़े बड़े सिलेबस होते हैं, तो क्या करते हैं हम वहां जाते हैं, जब पेपर देखते हैं तो सारे क्वेश्चन वही आते हैं जो हमने पढ़े होते हैं। सेम हैपन्स विद नीट ऑल्सो, कि आप बायोलॉजी के मान लो आप एवोल्यूशन जेनेटिक्स छोड़ के चले गए, लेकिन एग्जाम में जेनेटिक्स एवोल्यूशन से एक दो दो क्वेश्चन आए, वो भी सिंपल आ गए कि मेंडल ने कौन से 7 कैरेक्टर लिए पी के, जेनेटिक्स में आपको ये आ गया, ठीक है, एवोल्यूशन में आपको गया कि भाई आपकी लाइक ब्रेन साइज क्या थी, तो ये सारी चीज होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन्स क्या थे, तो ये सब चीजें पता पढ़ के जाते हैं, बाकी आप छोड़ के भी जाए तो इट्स नन ऑफ योर बिजनेस टू, इट्स ओके। तो लाइक आपको जस्ट यही फॉलो करना है कि जो पढ़ लिया जो पढ़ लिया ना, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ओके। नाइन कमिंग टू द सेकंड थिंग, कि भाई आप पढ़ें क्या, लास्ट डे है तो रिवाइज तो बनता है, ऑफकोर्स लास्ट डे रिवाइज बनता है, सो वॉट यू हैव टू रिवाइज, आपको क्या करना है वो देखो। सबसे पहले फिजिक्स के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई दिया, यू हैव टू जस्ट रिवाइज ऑल द फॉर्मूलास, सारे के सारे फॉर्मूलास आपको एक जगह मिल जाएंगे, 4 पेजेस पे मैंने लिख के दे दी है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दी, वहां वो सारे फॉर्मूलास जाके ले लो। केमिस्ट्री की बात करता हूं तो बेटा केमिस्ट्री में ना आपको, अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं, इट्स वन एंड द सेम थिंग लाइक फिजिक्स, ओनली फॉर्मूलास लर्न कर लो, और हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन लगाते चले जाओ, ठीक है। क्या बोला मैंने, एक एक, और कौन सा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पलर दे रखे हैं, दैट वॉज द वेरी वेरी बेस्ट थिंग, क्यों, क्योंकि उससे आपके सारे एक क्वेश्चन के अंदर उन्होंने लगभग सब चीज पूछ लेते हैं, तो वहां पे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, दैट वॉज फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। अगर ऑर्गेनिक की बात करूं, ऑर्गेनिक की आपको आप एक दिन में सारे रिएक्शंस नहीं पढ़ सकते, हाँ, लेकिन अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने कहा मेरी स्टडी टेबल पे सारी नेम रिएक्शन चिपका रखी थी ऐसी, तो व्हेन आई वाज सेटिंग ना, तो लगभग वो जितनी भी थी 70-80 नेम रिएक्शन, वो सारी की सारी मैंने पेपर पे लिख रखी थी, और वो नेम रिएक्शंस में पढ़ के गया था। एंड दूसरी चीज, मैंने कन्वर्जन्स पढ़े थे, कन्वर्जन्स मतलब हर चैप्टर के पीछे जो एक एक कन्वर्जन था ना, लगभग ऐसे जैसे आपके 20-30 कन्वर्जन्स होंगे, तो 1-2 घंटे में सारे कन्वर्जन्स हो गए थे, उससे मेरी टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज हो गई थी। एंड इट्स अ प्रैक्टिकल टिप्स गाइज, ये मैं कोई ऐसी हवा में गोलियां नहीं दे रहा हूं, सो यू ऑल हैव टू जस्ट डू दैट। अगर आपको ऑर्गेनिक में अच्छा स्कोर करना है तो प्लीज आई कैन सजेस्ट यू, आपको अगर नहीं कुछ भी करना है तो कन्वर्जन्स पढ़ लो, आप एक बार 10-20 कन्वर्जन्स कर लोगे हर चैप्टर के, इट्स विल बी गुड, टोटल 20 कर लो सारे ऑर्गेनिक हो जाएगी आपकी, ठीक है। इनऑर्गेनिक की बात करो तो इनऑर्गेनिक में हमेशा से ट्रेंड्स ही आते हैं, अगर आपके पास एक साथ ट्रेंड्स लिखे हैं वेल एंड गुड, नहीं लिखे हैं तो पीरियोडिक टेबल अच्छे से रट लो और उसके ट्रेंड्स का ऑर्डर एक बार देख लो कि भाई रेडियाई कहां बढ़ रहा है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहां बढ़ रही है आपकी,
आपकी रिएक्टिविटी कहाँ बढ़ रही है, सेंसिटिविटी कहाँ बढ़ रही है, ये सारी चीजें, ठीक है। फिजिक्स का मैंने बता दिया, अब आ जाते हैं बायोलॉजी पे। तो बायोलॉजी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि बेटा आपकी नैया पार बायोलॉजी ही लगाएगी। अगर आप बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करोगे तो आपके चांसेस होंगे कि अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाए, फिर रैंक भी बूस्टअप हो जाएगी। तो बायोलॉजी के लिए यू हैव टू डू नथिंग, जस्ट जाओ। बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ने का इतना टाइम नहीं, अगर एनसीईआरटी में हाई लेटर से मार्क कर रखा है तो यू कैन रीड दैट। अगर वो भी नहीं है तो मैंने पीडीएफ दे दी है जिनके अंदर दो दो पेज में सारे चैप्टर्स कवर है। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लो, वहां से पढ़ लो, एक दिन में पूरी एनसीईआरटी पढ़ लोगे आप, क्लियरली हो जाएगा आराम से, ठीक है। हाँ, और दूसरी चीज, एमसीक्यूज लगाना है कि नहीं लगाना, तो एट दिस पॉइंट अब मैं आपको बोलूंगा कि एमसीक्यू कतई ना लगाएं। अब एमसीक्यू लगाना बिल्कुल बंद कर दें, अब सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करें अब जितना, क्योंकि एमसीक्यू लगाने थे वो लगा चुके हैं आप, जितना साल भर था जितनी भी आपने प्रिपरेशन की है, You have just done whatever you wanted to do, ठीक है। So now you don't have to solve the MCQs, so MCQs अब नहीं लगाना है, MCQs की बारी खत्म हो गई है, you could just do this only, ठीक है। सो आई होप सो गाइज, मैंने सारी लास्ट डे की स्ट्रेटेजी आपको बता दी है, तो जस्ट प्लीज 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 फॉलो दिस स्ट्रेटेजी एंड गो एंड रॉक द एग्जाम। माय बेस्ट विशेस आर विद यू, आप लोगों को अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले, एंड या हैप्पी गणेश चतुर्थी एवरीवन। मे लॉर्ड गणेशा ब्लेस अस, ब्लेस मी, ब्लेस एवरी वन ऑफ यू अवर फैमिली मेंबर्स, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। और आप लोग को अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले, एंड मुझे अच्छी पीजी सीट मिले, एंड मैं भी अच्छा एक एमडीएमएस अच्छा डॉक्टर बनूं, और आप लोग भी अच्छे एमबीबीएस में आ जाओ। सो इट्स माय वेरी वेरी सिंसियर रिक्वेस्ट टू लॉर्ड गणेशा, वो हम सबकी जिंदगी में खुशियां खुशियां भर दें। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो पे एक लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और बस मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।